हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 7। मैं छत पे चढ़ाऊँ, ये व्यू देख रहा था। आज सुबह मैं 6 बजे ही उठ गया था, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करनी थी, और तैयारियाँ किसकी, आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ। अब मेरी 1 मंथ की छुट्टियाँ रह गई हैं, तो थोड़ा काम वगैरह करूँगा, और कॉलेज भी ऑफलाइन है तो पहले जाना बनता है। बाकी अभी मेरी आज की फ़्लाइट है जम्मू से दिल्ली के लिए, और आज ही रात में मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से कनाडा के लिए। तो मैं अपनी पूरी जर्नी आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। बाकी मैंने हेयर कट वगैरह लेना है, बियर्ड सेट करवानी है, और वो मैं इंडिया से, इसलिए ऑब्वियसली इंडिया में वो चीज़ काफ़ी सस्ती है। और मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की अपने लिए, तो बिकॉज मैं ऑलरेडी वहाँ रह के आ चुका था, मेरे को पता है कि वहाँ क्या चीज़ें महंगी मिलती हैं, क्या सस्ती। तो उन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, वो न्यू कमर्स जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी काम आएगी। तो मेरे चैनल को ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करिए। बाकी अब आप मेरी वीडियो साथ बनी रही है, मैं आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ, और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव होगा मैं आपको साथ साथ बता दूँगा। ओके सो एवरीवन, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, तो अभी काफ़ी लेट हो गया था ना, मतलब सारे काम वगैरह करते हुए, तो इसलिए मैं, आप जैसे देख रहे हो, मैं हेयर कट ले चुका हूँ। और यहाँ से कितने पैसे लग जाते हैं, 250-300 इतने, और वहाँ पे अगर मैं वहाँ हेयर कट लेता तो 3,000-3,500 इतने लग जाते, तो तभी मैंने यहाँ पर लिया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी अब मैं घर से निकल चुका हूँ, और घर से निकलते टाइम जो कुछ क्लिप्स हैं वो मैं अभी डालूंगा, वो आप देखना। और बस अब हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, बस 10 मिनट तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, तो अब बाकी की बात मैं आपसे वहां चल के करता हूं। मेरा चेक इन वगैरह सब हो चुका है, 1:50 पे बोर्डिंग है, बस मैं यहाँ बैठा हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। अभी 1:30 बज रहे हैं। बाकी मैं नीचे शूट नहीं कर पाया सब कुछ, चेक इन वगैरह, रीज़न बिहाइंड, ये जो जम्मू का एयरपोर्ट है ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, और यहाँ पे कैमरा वगैरह इतना यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो मैंने किया भी नहीं। बाकी मेरा जो बैग से, एक तो मेरे को एक ही बैग ले जाना अलाउड था, और आपको मैं बताता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं ना वो 25 किलो ले जा सकते हैं, तो इसलिए जब भी आप डोमेस्टिक फ़्लाइट करवाओ तो हमेशा स्टूडेंट आईडी पे करवाओ, तभी आप 25 kgs ले जा सकते हो। एंड मेन बात है कि आगे मेरी कनाडा की फ़्लाइट है, तो ऑब्वियसली मेरे पास सामान ज़्यादा है, मेरे पास दोस्तों का भी सामान है, तो जो मेरा बैग था वो वेट एक्सेस में चले गया, तो उसको मैंने एक्स्ट्रा पे किया। तो बाकी मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ, जैसे मैं बोर्ड करूँगा आपको साथ साथ दिखाते चलूँगा। मैं टर्मिनल 1 पे पहुंच गया हूँ, मैं अंदर पहुंच गया हूँ, यहाँ पे हम बैग्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। एंड मेरी फ़्लाइट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं अच्छी रही। बाकी पहले मैं बैग्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं एक बार बैग्स कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो अभी मैं एक शटल बस में हूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है उन लोगों के लिए जो अभी दिल्ली में अराइव हुए हैं, एंड उनकी आगे दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो काफ़ी बढ़िया, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपको बस अपने दोनों बोर्डिंग पास दिखाने उनको, वो मैंने दिखाए, एंड फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ टर्मिनल 3 तक, जो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 का मेरे को सुनने में 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है, बाकी सारी चीज़ें मेरे साथ बेकार हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या।
तो एक्चुअली जैसे फ़्लाइट जो अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, जैसे मैं जम्मू से दिल्ली आ रहा था, चंडीगढ़ हम क्रॉस कर चुके थे, तो मेरे लेफ्ट ईयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक पेन स्टार्ट हो गई एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी जैसे जैसे फ़्लाइट मतलब लैंड हो रही थी। बट अब ठीक हूँ मैं, मतलब ठीक हो गया, पेन नहीं हो रही। और उसके बाद अभी क्या हुआ ना, मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि अभी जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैं सबके लिए मिठाई के डब्बे लेके जा रहा था, बट अभी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये कि मैं अब जो मिठाइयाँ मैंने खरीदी थी वो मैं बैग में डालना ही भूल गया, तो अब जो वो मिठाई के डब्बे हैं वो घर पे ही रह गए हैं। तो मेरे को इस चीज़ का मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है कि यार क्या चीज़ है, मतलब दिन नहीं अच्छा जा रहा। तो बाकी अब क्या ही, आप दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 सॉरी टर्मिनल 3 पे पहुँचेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे, अगर कुछ हल्दीराम या कुछ भी मिठाइयों का हुआ तो मैं वो उठा लूँगा, वरना अगर किस्मत में नहीं है तो फिर नहीं है। बाकी अभी हम जा रहे हैं तो मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करता हूँ। वहाँ मेरे फ्रेंड से जो सौरभ है मेरे फ्रेंड, उसके पापा आए हैं एंड उनसे मैंने सामान लेना, वो सौरभ ले सामान भिजवा रहे हैं, तो बस अब उनसे सामान पकड़ता हूँ अंदर चलता हूँ। मैं थक काफ़ी गया हूँ, सुबह भी जल्दी उठा था तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। ओके सो फाइनली जैसे आप देख रहे हो मैं दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आने के भी आज जैसे मैं बता रहा था ना कि दिन ही ख़राब चल रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए वैसा ही हुआ। तो सबसे पहले मैंने जिन जिन से सामान लेना था वो मैंने ले लिया, उसके बाद मैं गेट नंबर 7 पे खड़ा था, तो क्योंकि मेरी फ़्लाइट रात के 12 बजे की और अभी 5 बज रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी आपको एंट्री अलाउड नहीं अंदर, तो आप बाद में आना, 6 बजे के बाद आना, बाद में जाते जाते बोलते 7-8 बजे के बाद आना। तो ऑब्वियसली मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट अभी लैंड हुई है, मैं कहाँ जाऊँगा 6-4 घंटे के लिए, तो कोई होटल वगैरह करा नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या सोचा ना कि मैं किसी और गेट पे ट्राई करता हूँ। फिर मैं वापस से लाइन में लगा, मैंने गेट नंबर 8 पे ट्राई किया एंड उन्होंने मुझे लकीली एंट्री दे दी, तो बस अब मैं अंदर आ गया हूँ। तो अब जहाँ तक मेरे को पता, ऑब्वियसली सबसे पहले मैं एयर कैनेडा का वो ढूँढूँगा, बट मेरे को नहीं लगता कि अभी वो मेरे बैग चेक इन वगैरह करेंगे, सो स्टिल मैं उनको ढूँढ लेता हूँ। बाकी जैसे बैग चेक इन वगैरह हमारे स्टार्ट होंगे वो लेके मेरे को कस्टम से थोड़ा सामान लेना है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं मिठाइयाँ वगैरह भूल गया हूँ, तो अब यहाँ से ऑब्वियसली देखूँगा। बाकी और भी देखता हूँ कुछ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो जैसे जैसे मैं जो भी करूँगा आपको साथ साथ में वीडियो में दिखाते रहूँगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं, आप ढूँढते हैं ये हमारा एयर कैनेडा है किधर है। ओके सो मैंने खा पी भी लिया एंड मुझे ये एयर कैनेडा का बैग ड्रॉप का जो एरिया ये भी मिल गया, तो मैं अंदर जाता हूँ एंड अपना बैग्स वगैरह ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद मैं अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ। ओके सो फाइनली मेरा जो मैंने चेक इन वगैरह कराना था वो सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरी इमिग्रेशन हो गई एंड देन मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। तो बस वो सारी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन्स थी, बट मैं ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका हूँ, अब ये मेरे पीछे है ड्यूटी फ्री, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से देखता हूँ कि कुछ सामान वगैरह ले लूँ अगर कुछ भी चाहिए हो, बिकॉज अब यहाँ पे कुछ वेट वगैरह कुछ अगर मैं ले रहा हूँ उसका कितना ले जा सकते हैं कितना नहीं, वैसे मेरे को कुछ ज़्यादा इशू नहीं आएगा, तो मैं वहाँ चलता हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं, बिकॉज लाइन में काफ़ी ज़्यादा देर कर रहे हैं, पहले इमिग्रेशन, पहले बैगेज ड्रॉपेज की लाइन में, फिर इमिग्रेशन की लाइन में, फिर सिक्योरिटी चेक की लाइन में, और आज का मैं पुराना दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज क्या हो गया मेरे साथ, मैंने नया मैक बुक ली थी अपने लिए, तो जब सिक्योरिटी चेक में निकालते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो साइड से थोड़ा सा ना उसको छोटा सा काइंड ऑफ डेंट टाइप लग गया, बहुत छोटा बट स्टिल वो नहीं थी, अभी इसको महीना भी नहीं हुआ ली हुए, तो आज का दिन सीरियसली नहीं अच्छा जा रहा। तो बस अब चलते हैं आगे, पता नहीं अब बाकी का दिन कैसे रहता है। ओके सो
अभी आप जैसे कि देख रहे हैं मैं ड्यूटी फ्री यहाँ घूम रहा हूँ और मैंने अपने लिए सामान ले लिया है। तो बस अब कुछ नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, फूड कोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे फूड कोर्ट है एंड बस यहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ी देर बैठूँगा, उसके बाद डिनर करूँगा और फिर बाकी की मील्स वगैरह था वो फ़्लाइट में मेरे इंक्लूडेड ही हैं। तो मैं चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ अब। टाइम हो रहे हैं 9:15 एंड मैं डिनर करने लगा हूँ एंड वही आधा घंटा लग जाएगा, थोड़ी देर बैठूंगा इधर, उसके बाद अपने गेट पे जाऊंगा, वहाँ पे बोर्डिंग वगैरह करनी है। और क्या है ना, मैं अभी क्या दिखा रहा था कि मैं क्या डिनर कर रहा हूँ, तो एक जो सबसे बड़ा दुख मेरे को लग रहा है वो कि अब मुझे घर से दूर जाऊँ ना तो घर का खाना गायब हो जाता है। तो अब से मेरा ये डिनर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी ये कैनेडा पहुँच जाऊँगा, वहाँ पर तो कभी बनाते हैं कभी नहीं, यही चलता है। ये पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही हमारा डिनर है। तो करते हैं अब डिनर, उसके बाद मैं बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। सो मैंने अपना डिनर कर लिया था, तो जिस हिसाब का दिन जा रहा है ना, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है कुछ ख़राब हो रहा है, ज़्यादातर ख़राब ही हो रहा है। बस मेरा ट्रैवल सेफ, सब कुछ अच्छे से बढ़िया से हो जाए। तो हाँ, तो जैसे दिन जा रहा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, डिनर कर लिया। ओके, अब मैं सीधे अपनी गेट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि फ्लाइट मिस होने से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, और ये मैं होने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं टाइम से पहले ही, एक घंटा पहले ही वहाँ जाके बैठ जाऊँगा। मैंने कहा कि फूड कोर्ट में बैठने से अच्छे कि वहीं जाके बैठो, और तो बस अब मैं जा रहा हूँ। तो बाकी जैसे जैसे मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा सब कुछ मैं आपको दिखाते चलूँगा। तो गेट नंबर 3 से 14 ही है एंड मेरा गेट नंबर 9 है, तो वहाँ चलते हैं। ओके, सो फाइनली अब वो टाइम आ गया है एंड हम बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बाहर अगर आपको दिख रहा होगा ये एयर इंडिया का लगा, बट मेरी एयर कनाडा। तो इसके बाद ज़्यादा वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फिर फ्लाइट के अंदर चल के आपको मैं बाकी की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लैंड हो गए हैं, प्लेन से बाहर जा रहे हैं अब सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन जो भी होगा, जहाँ कैमराज अलाउड होंगे मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी तो नहीं। सो बहुत ज़्यादा इस प्लेन में एकदम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फाइनली वहाँ वापस आ गया हूँ। व्यू दिखाता हूँ आपको। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। ओके, ये सब कस्टम शॉप्स हैं, बाकी हमें अभी आगे जाना, चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
अभी जब मेरी फ़्लाइट थी ना, तो उससे पहले मेरे को जैसे पता था कि हाँ मेरी 21 को फ़्लाइट है, तो मेरे को ये इसी चीज़ का डर था कि वापस से फ़्लाइट्स बैन ना हो जाएं जैसे एक बार पहले हुई थी। कह रहे थे कोविड आ रहा है, कभी वो एक वो वॉर स्टार्ट हो गई, फिर फ़्लाइट मेरी 13 घंटे की थी, वो उसकी जगह वो 18-19 घंटे की होगी। तो काफ़ी डर बने रहा कि अब मैं फ़्लाइट्स बैन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब तो मेरे कॉलेज भी ऑफलाइन है, बट नहीं हुई। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब फिलहाल पहुंच गए हैं, बस अब मैं खुश हूँ, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। सो फाइनली मैंने अपने बैग्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट करने। तो बस अब अपने लिए उबर मंगवाऊंगा और सीधे घर पे। ओके सो फाइनली अब मैं एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे अब यहाँ गाड़ियाँ वगैरह लगी हैं। तो ये मैं अच्छा मैं आपको जैसे आपने देखा ना वहाँ पे वो टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, तो वो ना रैंडम टेस्टिंग थी और मेरा नंबर आ गया और मैंने टेस्टिंग वगैरह करवा ली, पर सब कुछ जल्दी हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो एक अच्छी चीज़ लगी बस मेरे को। बाकी अब मैं वहाँ से आप एयरपोर्ट से नीचे उतर के क्यू गेट से निकलना होता है, एंड मैंने अपने लिए उबर बुक करवाई है, $19 लगे हैं। तो अभी उबर आ रही है, अब मैं उसमें जाके घर पहुँचूँगा बस। बाकी सामान ज़्यादा था वरना मैं बस में चल जाता, वरना देखो मेरे पीछे बस जा रही है बिल्कुल, ये यहाँ से मेरे घर के बाहर ही उतारती है। बाकी अब ऊबर में जा रहे हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे सबसे पहले निकल के जो चीज़ मैंने सुनी कनाडा में एयरपोर्ट के बाहर निकल के, वो थी भीड़। तो यहाँ पे भीड़ वगैरह सब लीगल है, तो सबसे पहले नाक में वो गई है। और मैं 19 घंटे की फ़्लाइट के बाद वैसे ही पागल हो रहा हूँ, तो अब मैं सीधे घर चलता हूँ और बस हो गया मेरी सीरियस, अब रेस्ट करूँगा घर जाते ही। ओके सो एवरीवन, जैसे आप देख रहे हो एग्जिपर वगैरह आ गए यहाँ पे। अब ठंड वगैरह कम हो चुकी है, टेम्परेचर 10 डिग्री के ऊपर ही रहता है आजकल ज़्यादातर। बाकी ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद शूट ये क्लिप मैं कुछ दिन बाद शूट कर रहा हूँ। जो आपने बाकी वीडियो देखी थी वो रियल टाइम पे थी जब मैं यहाँ लैंड हुआ था। ये मैं लेट इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज जेट लैग हो गया था, काम में बिज़ी हो गया, एंड बाकी आज मैंने कुछ ख़रीदा जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आज क्या ख़रीदा क्या लिया वो डालूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट।